नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब प्लेसमेंट में। आज मैं आपको बिग न्यूज देने वाला हूं, जो है अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। तो फ्रेंड, 17-18-19 का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जनरेट करें, कहां से जनरेट करें, इस सब की जानकारी फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। जॉब प्लेसमेंट चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर करना मत भूलिए तथा सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए। इसी तरह मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो फ्रेंड देखते हैं 17-18-19 का अनुभव प्रमाण पत्र मैनुअल के माध्यम से कैसे भरें। तो फ्रेंड आपको एजुकेशन पोर्टल पर जाना है और 15-5-2019 का आदेश डाउनलोड कर लेना है। उसके माध्यम से ही आपको ये उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर निकालना है और आपको इस तरीके से 17-18-19 का अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट कर लेना है। तो मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरीके से आपको ये मैनुअल को भरना है। जैसे जहाँ इधर सत्य लिखा है फ्रेंड, तो आपको इधर सत्य लिखना है जिस सत्य में आपने कार्य किया है। जैसे 2011 या 12 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। इधर आपको 18-19 सत्य लिखना है। इधर विद्यालय का डैशबोर्ड लिखना है, यानी जो आपके विद्यालय का डैशबोर्ड है वो आपको लिखना है। इधर विद्यालय का नाम आएगा, जैसे हायर सेकेंडरी में आपने कार्य किया है तो हायर सेकेंडरी लिखोगे। इधर आपने हाई स्कूल में कार्य किया है तो हाई स्कूल लिखोगे। और आगे देखते हैं अतिथि शिक्षक की जानकारी पोर्टल में उपलब्ध विवरण के अनुसार, यानी अतिथि शिक्षक की गेस्ट आईडी मोबाइल नंबर। यदि आपके पास गेस्ट आईडी नहीं है तो फ्रेंड आपका जो मोबाइल नंबर एजुकेशन प्रोफाइल पर डला है तो वो आपको इधर फिल कर देना है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, इस तरीके से आपको नंबर डालना है। यदि गेस्ट आईडी है वो भी आप इस तरीके से गेस्ट आईडी डाल सकते हो। अतिथि शिक्षक का नाम, यानी अतिथि शिक्षक अपना इधर नाम भरेंगे। जैसे मैं इधर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, नाम लिखना है। उसके बाद अतिथि शिक्षक की जानकारी आधार के अनुसार, तो फ्रेंड इधर आधार नंबर डालना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आधार नंबर, आधार के ही आधार पर इधर आपको नाम डालना है। जो आधार में लिखा है वो आपको इधर आधार के माध्यम से ही नाम डाल देना है। आगे लिखा है सत्य में एजुकेशन पोर्टल में लॉग किए गए मानदेय का विवरण, यानी आपने जिस सत्य में कार्य किया है, यानी 18-19 सत्य में आपने एजुकेशन पोर्टल पर जो वेतन पत्रक आपने देखी है या वेतन स्लिप आपने निकाली है, तो वो आपको उसके आधार पर इधर विवरण भरना है। जहाँ पद जिसके विरुद्ध, यानी आपने वर्ग एक में कार्य किया है फ्रेंड, तो वर्ग एक आपको इस तरीके से डाल देना है। माँ जिस सत्य से आपने कार्य किया हो उधर से आपको डालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जुलाई, तो जुलाई इस तरीके से भरना है। इधर संस्था प्रमुख के अनुसार कार्य दिवस, तो वो जो आपका बिल के माध्यम से, यानी वेतन पत्रक के माध्यम से आपने जो वेतन प्राप्त किया है उसके आधार पर ही आपका दिवस भर जाएंगे फ्रेंड उधर। उसके बाद लिखा है अभी तक का प्रमाण पत्र, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा GFMS पोर्टल में उपस्थिति पत्रक निकालने का प्रयास किया गया है, किंतु उक्त सत्य में सत्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त जानकारी मेरे द्वारा सत्य है। इधर अभी तक के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद संस्था प्रमुख सत्यापन करेगा। प्रमाणित किया जाता है कि अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति दिवस का सत्यापन शाला अभिलेख उपस्थिति पंजी से कर लिया गया है। तो फ्रेंड इधर आपके शाला प्रमुख इस तरीके से आपका उपस्थिति पत्रक से मिलान कर लेंगे और यूनिक आईडी नाम पत्र भर देंगे, इधर सिग्नेचर कर देंगे फ्रेंड। इस तरीके से शाला प्रमुख सत्यापन कर देगा। फिर आपको संकल्प प्राचार्य का सत्यापन कराना है। जो अतिथि शिक्षक संकुल में ही कार्य कर रहे तो वो वहीं करा लेंगे, और जो अतिथि शिक्षक संकुल उनका दूसरा लगता है तो वो आप उधर जाकर करा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाना। मैं आपको इसी तरह